तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक बॉडी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चलो मान लेते हैं पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट मतलब होता है टाइम जब जीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब यहाँ से स्टार्ट हुई तो कहते हैं इट्स वेलोसिटी और यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रहा। ध्यान देना, मतलब एक्सलेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में है और यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रहा है ए से। कहते हैं वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड इज बी। चलो ए से मान लो यहाँ से पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट तक आने में जो एन सेकेंड टाइम लगा, एन सेकेंड लगा, कहाँ तक आया? सी तक आया। सी तक जो टाइम है वो एन सेकेंड लग गया। एन मतलब चलो मान लो 10 सेकेंड लग गया होगा, इस टाइप से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसी तरह से एन सेकेंड लग गया। ठीक है, तो इसी एन सेकेंड में ध्यान रखना, इसी एन, ये जो 10 सेकेंड लगा, एन की वैल्यू अगर मान लो 10 सेकेंड में कर दूं, तो इसी 10 सेकेंड के लास्ट 2 सेकेंड, मतलब लास्ट 2 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच जो 2 सेकेंड बचा, 9th और 10th, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगा होगा, तो यहाँ तक आने में वो उधर से काउंट करोगे तो यहाँ से 9 सेकेंड, तो ये यहाँ 8 सेकेंड हुआ होगा। तो अगर सी से बी तक टाइम लग काउंट करोगे तो 2 सेकेंड बीत चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग गया भैया? तो ए से बी तक टाइम कितना लग गया? n-2 सेकेंड, n-2 सेकेंड। ठीक ना, यहाँ से मतलब यहाँ से n-2 सेकेंड इधर लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा एन लगा था, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो n-2 सेकेंड इधर लग गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू निकालनी, ये वाली जो एक्स है लास्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो यहाँ ए से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ए से सी तक, और माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आ जाएगा। ये वाला लॉजिक हम अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना यू से जीरो चला है, यहाँ से टाइम लग गया है, टाइम ये लग गया n-2 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं ए से सी तक देखता हूँ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए टू सी तक देखो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक देख लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और हाफ एक्सलेशन ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ए टी स्क्वायर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। यहाँ ध्यान रखना हाफ ए और टी की वैल्यू एन है, तो एन स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई टू। डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक हो चुका है ए एन स्क्वायर बाई टू। ठीक ना, ये वाली चीज़। अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक देखो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है कहाँ से, ए से बी तक देखना है। और डिस्प्लेसमेंट अगर ए से बी तक देखना है तो ये वाली जो चीज़ है, अगेन एस इज इक्वल टू यू टी लगाओगे तो जीरो अब हाफ एक्सलेशन तो यही रहा, और टाइम यहाँ लग गया n-2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो n-2 का होल स्क्वायर दैट इज यहाँ से an-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया अपना। ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये वाला एक निकाले थे, एक हम लोग यहाँ निकाले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन ए के टर्म में नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं ए से सी तक वेलोसिटी वाला वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो देख लेते हैं कितना वेलोसिटी हमारा क्रिएट हुआ है। तो ए टू सी, तो सी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एन सेकेंड बाद, तो एन सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए एन। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी अपन एन। ठीक ना, जो ए सी पॉइंट की वेलोसिटी है इतना सी पॉइंट पे है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जो वैल्यू है जो हमें लास्ट 2 सेकेंड में चाहिए, तो लास्ट सेकेंड में ए सी माइनस डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, तो ए सी की वैल्यू जो पूरा हुआ है वो हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस ए हाफ ए बाई टू और n-2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ए बाई टू यहाँ से कॉमन आ गया, एन स्क्वायर इधर बचा, माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से, माइनस 4 एन यहाँ से बचा। इसका मतलब ये हुआ जब इसको काटोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और 4 ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाई टू, और यहाँ से बचेगा तुम देखोगे ए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n-1 बचा।
अब यहाँ से देखोगे 2a बचा और n माइनस वन, ए की वैल्यू डाल दो क्योंकि सोल्यूशन बी के टर्म है, तो भी 2b अपन n और ए एन माइनस वन इज द फाइनली डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड हमें आ गया होगा, 2b अपन n n माइनस वन, तो 2b अपन n और n माइनस वन मतलब ये अपना डी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।